प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। आज पूरा भारत शोकाकुल है, हर तरफ उदासी का माहौल है। राजनीतिक गलियारों के मास्टर नेता कहे जाने वाले मुलायम सिंह अब हमारे बीच नहीं रहे। आपको बता दें कि मुलायम सिंह काफी लंबे अरसे से बीमार चल रहे थे। अपनी बीमारी के चलते ही मुलायम सिंह ने अपने प्राण त्याग दिए और वो हम सभी को छोड़कर इस दुनिया को अलविदा कह गए। बता दें कि आज नेताजी दुनिया को अलविदा कह गए, हमारे बीच अब मुलायम सिंह यादव नहीं रहे। राजनीतिक गलियारों के मास्टर नेता कहे जाने वाले मुलायम सिंह अब हमारे बीच नहीं रहे। बता दें कि मुलायम सिंह काफी लंबे समय से बीमार चल रहे थे। मेदांता हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा था, इसी बीच उनकी बीमारी के चलते मुलायम सिंह ने अपने प्राण त्याग दिए। 1967 में पहली बार वो विधायक बने थे। बता दें कि समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव अपने कई ऐतिहासिक फैसलों के लिए भी याद किए जाएंगे। उन्होंने भारतीय राजनीति को न सिर्फ नई दिशा दी बल्कि सामाजिक परिवर्तन की इबारत भी लिखी। उन्होंने महिलाओं को सियासत में भागीदारी दिलाने के लिए निरंतर आवाज भी बुलंद किया। और इसी बीच हमारी प्राइम टीवी की टीम उनके गांव पहुंच रही है जहां उनका कल अंतिम संस्कार किया जाएगा सैफई में। आज उनकी पार्थिव शरीर को लखनऊ लाया जा रहा है जहां कल अंतिम संस्कार किया जाएगा सैफई में। और इसी खबर में अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विभांशु हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विभांशु, देखा जाए तो नेताजी शून्य से लेकर शिखर तक पहुंचने वाले देश के नेताजी बने और आज उन्होंने अंतिम सांस ली मेदांता हॉस्पिटल में। जी नंदनी, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह आज गुरुग्राम स्थित मेदांता अस्पताल में 8:16 पे उन्होंने अंतिम सांस ली, जिसके बाद कहा जा रहा है कि एक युग का अंत हुआ है। और अगर आपके सवाल पे लौटे तो वाकई में शून्य से लेकर और एक सत्ता के शीर्ष पे पहुंचने का मुलायम सिंह का जो एक सफर था वो काफी अहम था, दिलचस्प था, क्योंकि अगर देखें तो वो एक शिक्षक थे और शिक्षक के साथ साथ वो एक बेहतर पहलवान थे, जिनके धोबी पछाड़ कर आसपास के जो उनके पैतृक आवास है सैफई, उसके आसपास के जो क्षेत्र हैं वहाँ उनके पहलवानी के भी किस्से खूब सुनने को मिलते हैं। वहीं आपको बताएं कि मुलायम सिंह को 82 की उम्र में उन्होंने उनकी जो यूरिन इन्फेक्शन था जिसके चलते उन्होंने आज अंतिम सांस ली है। वहीं अगर बताएं तो जब उनको अस्पताल में दाखिल किया गया, लगभग 2 से अगर देखें तो ब्लड प्रेशर ऐसी तमाम बीमारियों से मुलायम सिंह जूझ रहे थे। वहीं जब उनकी तबीयत लगभग 7 से बेहद नाजुक थी तो देश भर में बात की जाए कश्मीर हो या कन्याकुमारी, मुलायम सिंह के चाहने वाले या समाजवादी विचारधारा के लोग या मुलायम सिंह के साथ जिसके भी रिश्ते रहे हैं, चाहे पक्ष हो या विपक्ष, सभी उनके लिए प्रार्थना कर रहे थे, दुआ कर रहे थे। वहीं आपको बताएं कि कहीं ना कहीं ये प्रार्थना दुआएं मुलायम सिंह जी के साथ काम नहीं आई और आज वो तमाम जो लोग हैं उनके चाहने वाले हैं उनको छोड़कर आज शोक को सिधार गए हैं। वहीं आपको बताएं कि जिसको लेकर आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर और चाहे बात की जाए कार्यकर्ताओं की, चाहे वो समाजवादी पार्टी का हो या किसी पार्टी का हो, जो लोकतंत्र की मिसाल है भारत के अंदर में कि जब मुश्किल आती है तो पक्ष हो या विपक्ष सब एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते हुए नजर आते हैं। बात की जाए तो पिछले 7 से समाजवादी परिवार के तमाम वो बड़े नेता और उनके परिवार के उनके रिश्तेदार मेदांता अस्पताल में मौजूद थे, जिस दौरान अगर बात की जाए तो देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से लेकर कांग्रेस पार्टी के आचार्य प्रमोद कृष्णम से लेकर तमाम ऐसे दिग्गज नेता मुलायम सिंह की स्वास्थ्य में बेहतरी को लेकर उनसे मिल रहे थे और उन्हें एक कहे तो साफ तौर से ब्लेसिंग्स दे रहे थे कि मुलायम सिंह जल्द से जल्द स्वस्थ होकर और वापस लौटे। वहीं आपको बताएं कि नंदनी, कि अगर देखें तो जब से मुलायम सिंह की तबीयत खराब है तब से उनके गांव
चाहे बात की जाए सैफई उनके पैतृक आवास, चाहे बात की जाए मैनपुरी इटावा, तमाम जो उनके आसपास के गांव हैं या समाजवादी चाहने वाले लोग हैं वो कहीं ना कहीं देखें तो काफ़ी चिंतित और परेशान नजर आ रहे थे। और अगर बात की जाए सैफई में तो सैफई के प्रधान की वीडियो को आपने प्राइम टीवी के पे आपने हमने दिखाया है कि कैसे लोग उनके विलाप कर रहे थे कि मुलायम सिंह जल्द से जल्द स्वस्थ होकर और वापस लौटे। उनके देहांत के बाद उनके पार्थिव शरीर को गुरुग्राम से सीधे उनके पैतृक आवास सैफई लाया जा रहा है, जहां उनके पैतृक आवास से 500 मीटर की दूरी पर मेला मैदान में उनका कल 3 बजे अंतिम संस्कार किया जाएगा। आपको बताएं कि जब उनकी मृत्यु हुई तो समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल और साथ ही साथ अखिलेश यादव अपने तमाम सोशल मीडिया साइट्स पे एक पोस्ट डाल के उन्होंने लिखा कि मेरे पिता और आप सबके नेताजी हमारे बीच नहीं रहे। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो आज देश के लिए और देश के इतिहास में अगर देखा जाए तो एक ऐसा नेता हमारे बीच आज हम सबका साथ छोड़ के गया है, जिसके द्वारा अगर देखे तो वो तमाम पदों पे रहा है। 1967 से सक्रिय राजनीति में आता है और तमाम अगर देखे तो वो कई बार का विधायक और कई बार सांसद रहे हैं। साथ ही साथ देश के रक्षा मंत्री के तौर पे उन्होंने एक बेहतरीन अपना कार्यभार दिया और उनके एक किस्सा है जिसे आज भी लोग याद का से जो सेना के सिपाही थे, जवान थे, अगर उनकी शहीदी होती थी, अगर वो बॉर्डर पे शहीद होते थे तो पहले उनके घर पर महज एक टोपी और उनका बेल्ट जाता था। मगर मुलायम सिंह जब रक्षा मंत्री के पद पर आश्रित हुए, उन्होंने जिम्मा संभाला तो वो शहीदों का शव घर तक भिजवाने का काम किए। साथ ही साथ जो इसको लेकर उनके उनके निधन के बाद कहीं ना कहीं देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आज कैबिनेट की बैठक में उनको श्रद्धांजलि दिए। साथ ही अगर बात की जाए तो देश के प्रमुख राष्ट्रीय दलों में से तो कांग्रेस पार्टी अभी फिलहाल में भारत जोड़ो यात्रा कर रही है और भारत जोड़ो यात्रा में लगभग 400 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर ली गई है। उस दौरान आपको बताया कि आज यात्रा के शुरुआत से पहले कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव राहुल गांधी आज अपने पदयात्रा से पहले वो मुलायम सिंह जी को याद करके और उनके एक शोक सभा का श्रद्धांजलि का एक शोक सभा आयोजित करते हैं। वहीं अगर बात की जाए तो आज देश भर में मुलायम सिंह की तस्वीरों पर जो दूर दूर दराज में लोग हैं वो मुलायम सिंह की तस्वीरों पर माला चढ़ाकर और कहीं ना कहीं नम आंखों से उन्हें विदाई देने में लगे हुए हैं। इसी क्रम में हमारे साथ हमारे वरिष्ठ जो हैं वरिष्ठ ब्यूरो उत्तर प्रदेश अगर बात की जाए तो हमारे साथ गौरव श्रीवास्तव जी हैं, इनसे भी हम कुछ किस्सों को जानेंगे क्योंकि ये लंबे अरसे से पत्रकारिता का जो जिम्मा है उसको संभाल रहे हैं और अगर बात की जाए तो इन्होंने कई सरकारों को देखी है, तो इनसे भी हम कुछ जानेंगे कि कुछ ऐसे किस्सों को बताएं, कुछ ऐसे अनसुने किस्सों को बताएं जो हमारे दर्शकों को कहीं ना कहीं आज तक उनके जहन में ना गया हो और उसे आज के दिन वो जानकर कहीं ना कहीं इस मां भारती के वीर सपूत को आज जहां पूरा देश याद कर रहा है कुछ शब्द आप ही बताइए। गौरव, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत और हमें कुछ मुलायम सिंह जी के किस्से बताएं जो हमारे दर्शकों को ना पता हो, साथ ही उनको उनके जो योगदान थी भारतीय राजनीति में कहीं ना कहीं उन्हें प्रधानमंत्री का उम्मीदवार भी देखा जा रहा था मगर कुछ राजनीतिक के गुरागरित की वजह से वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाए, आप कुछ ऐसे किस्सों को बताएं। जी जी बिल्कुल विमांशु, सबसे अच्छी बात तो यह है कि उनकी छवि थी वो मेरुवासी थी, कठोर के लिए कठोर थे, वो कहा भी जाता रहा कि मन से मुलायम इरादे लो आए, मन से वास्तव में मुलायम थे और जो इनके इरादे थे हमेशा लोहा रहे हैं। लगातार धराती संघर्ष वाले नेताओं के रूप में उनकी छवि है। अगर हम महत्वपूर्ण किस्सों की बात करें तो एक बार जब इटावा के पास वहाँ पर कुश्ती का आयोजन किया जा रहा था तो वहाँ से अपने दुगनी क्षमता के पहलवान को उन्होंने पटक दिया था, उस समय जो विधायक थे नत्थू सिंह उनकी नज़र इनके ऊपर पड़ी थी, तब देखा गया कि हाँ अभी कुश्ती में ये जो पहलवान है ये आने वाले समय में कुश्ती में नाम तो करेगा ही करेगा और साथ ही साथ राजनीति के दंगल में भी ये पहलवान बड़े बड़े को पटक नहीं देगा, और ऐसा हुआ भी आपने देखा क्योंकि 8 बार विधायक बनना, 7 बार सांसद बनना, 3 बार मुख्यमंत्री बनना और एक बार देश के विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का रक्षा मंत्री बनना बहुत बड़ी उपयोग, यानी ऐसा नाम है और ऐसा काम है जिसको आप देख ही रहे विमांशु कि लगातार यहाँ पर केवल प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर से लोग यहाँ पर आ रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं, संवेदना व्यक्त कर रहे हैं, तो ये जो संवेदना है, ये श्रद्धांजलि, ये नमन है, ये उनके कद को दर्शाता है कि मुलायम सिंह यादव किस श्रेणी के नेता थे, क्या उनका कद था, और निश्चित रूप से उनके कद को नापना मानव जीवन के लिए व्यवस्था में और साथ ही साथ एक कलम की लेखनी में संभव नहीं है। क्योंकि अगर हम बात करें विमांशु की
पत्रकारों के प्रिय थे, हमेशा पत्रकारों से अच्छी उनकी बातचीत रहती थी। किस्सों की बात करें, जैसा आपने बताया अभी कि रक्षा मंत्री रहते हुए उन्होंने महत्वपूर्ण यहाँ पर 1996 से 1998 के बीच रक्षा मंत्री रहे हैं। देवीगौड़ा सरकार थी उसके समय, सत्य मोर्चा का एक सरकार थी, केंद्र सरकार थी उस समय, उन्होंने रक्षा मंत्री का परिवार संभाला था। और बहुत बड़ा अहम फैसला उन्होंने लिया था कि जो जवानों को पहले, जब जवान अगर शहीद होता था तो उनकी केवल टोपी और उनका जो कमरबंद होता है यानी उनके बेल्ट होती है वही पहुंचाई जाती थी घर के बाद, एक शरीर के रूप में मान लीजिए या एक संवेदना या श्रद्धांजलि के रूप में। पर उन्होंने इस प्रथा को ख़त्म किया, उन्होंने कहा नहीं, अगर शहीद हो रहा है, अगर उसका पार्थिव शरीर हमको उपलब्ध हो रहा है, अगर दुश्मनी क्षेत्र में नहीं जा रहा है तो निश्चित उसके पार्थिव शरीर को भेजना ये जिम्मेदारी रहेगी। तो टोपी के साथ, बेल्ट के साथ, उनकी वर्दी के साथ और पार्थिव शरीर भी भेजा जाने लगा। और इस प्रथा को ख़त्म करने वाले मुलायम सिंह यादव भी थे जिन्होंने इस प्रथा को ख़त्म किया। और बहुत बड़ी देर और तब से लगातार हमारे देश में जो प्रथा थी वो बदल गई है और अब पार्थिव शरीर बाकायदा पूरे सम्मान के साथ, पूरे राजकीय सम्मान के साथ, पूरे राष्ट्रीय सम्मान के साथ लोगों के घर जाता है, शहीदों के घर जाता है। तो निश्चित रूप से बड़ी उपलब्धता है निश्चित रूप से। और विमान सिंह, मैं आपको चीज़ बताऊं जो बात उनको अलग करती थी, मुलायम सिंह यादव वो नाम रहे जो प्रत्येक कार्यकर्ता को उनके नाम से जानते थे, वो नाम रहे जो प्रत्येक कार्यकर्ताओं को उनकी जिम्मेदारी, उनकी गतिविधि, उनके व्यक्तित्व से जानते थे। उनको किसी कार्यकर्ता का नाम, उनका पता, उनका निवास, उनका व्यक्तित्व, उनका काम नहीं बताना पड़ता था। ये सबसे अहम जिम्मेदारी जो उनकी थी वो बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी वो निर्वाह करते थे कि किसी कार्यकर्ताओं को समझना, किसी कार्यकर्ताओं को जानकारी करना, उनके नाम को जानना। ये अब तक आपने देखा होगा बहुत कम नेता ऐसे होते हैं जिनको सभी कार्यकर्ताओं का नाम, क्योंकि हजारों लाखों के यानी संख्या में कार्यकर्ता होते हैं, पदाधिकारी होते हैं, ये लोग तो पदाधिकारी को नहीं जानते हैं और यहाँ पर कार्यकर्ताओं को जानना, यही कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुलायम सिंह यादव को लोगों से अलग करती थी। इसके अलावा विमान सिंह, सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ ये भी है कि जब कभी तीन बार मुख्यमंत्री रहे हैं, जब कभी हवाई सर्वे करते थे तो हवाई सर्वे के माध्यम से विमान सिंह लोगों को देख लेते थे, गाँव बता देते थे देख कर कि उत्तर प्रदेश का कौन से ज़िले का कौन सा गाँव है। तो आप सोचिए इतनी दूरदर्शिता, इतना मधुभाषी होना, मन से मुलायम और इरादे उनके कठोर थे। और जो इरादे कठोर थे वही वो हमने देखा 1967 से पहली बार जो उनका एक राजनीतिक सफर शुरू हुआ था। और मैं उस सफर की अगर बात करूं विमानसु, तो जसवंत नगर से पहली बार विधायक बने थे। और उस विधायक की समय की महत्वपूर्ण बात यह है कि उस समय जब वहां पर इनके पास महज साइकिल हुआ करती थी, प्रचार के लिए पैसा नहीं था, गाड़ी नहीं थी, और अगर गाड़ी की व्यवस्था करके उसके लिए ईंधन नहीं होता था। तो मैं आपको बता दूं विमानसु, इतिहास बताता है और ये जानकारी पुख्ता है कि वहाँ के लोगों ने, इनके गृह जनपद के लोगों ने उपवास रखा था और कहा था उपवास रखेंगे और जो अनाज बचेगा उसको बेचकर ईंधन की व्यवस्था की जाएगी। ऐसी बड़े बड़े विचार और ऐसी जानकारी ये स्पष्ट करती है कि मुलायम सिंह यादव किस स्तर के और किस कद के नेता थे। निश्चित रूप से उनकी जो क्षति हुई है उस क्षति को भरना देश ही क्षति नहीं है, तपरी क्षति नहीं है, बल्कि समाजवादी पार्टी में ऐसे युग का अंत है जिसको पूरा करना महत्वपूर्ण है। किस तरह पूरा हो पाएगा, क्योंकि मेरे ख्याल से पूरा होना अब संभव नहीं रहता है। अच्छा गौरव जी, जैसे अभी हम फिलहाल मुलायम सिंह जी के पैतृक आवास जा रहे हैं और अगर तमाम गाड़ियों को देखा जाए तो आप एक्सप्रेस वे पे क्या तस्वीर देख पा रहे हैं? जी आपको बता दूं, पुचकारते थे, उन्हें दुलारते थे। उन्नीस महीने वो जेल में भी बंद रहे। अगर मुलायम सिंह यादव के राजनीतिक करियर के बारे में, तो 1967 में पहली बार वो विधायक बने थे जसवंत नगर से। इसके बाद '89 में मुलायम सिंह पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। बता दें कि समाजवादी पार्टी का गठन उन्होंने 1992 में किया था।
82 साल की उम्र में मुलायम सिंह यादव ने अंतिम सांस ली। इससे जुड़े विपक्ष के नेता, पक्ष के नेता, हर लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि दिया। यूपी के सीएम ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दिया है। विभांशु, अगर मुलायम सिंह यादव के करियर, राजनीति करियर की बात करें तो उनका आसान सफर नहीं था। पहलवानी की मिट्टी से उठकर राजनीति में जाना और फिर इमरजेंसी के टाइम 19 महीने जेल में भी बंद थे वो। नंदनी, आपको बता दें कि एक पहलवान और साथ ही साथ शिक्षक, जिसकी समाज को में शिक्षा देना और साथ ही साथ अगर देखें तो उनका राजनीतिक कर इतना आसान नहीं रहा है, क्योंकि उनके राजनीतिक सहयोगी बताते थे कि मुलायम सिंह सुबह के 4 बजे उठकर और वो सूर्योदय तक कई गांवों में घूमकर अपने शुभचिंतकों का हाल जानकर अब वापस अपने गाँव लौटते थे। उनकी दिन अगर देखें तो प्रतिदिन वो साइकिल से सफर करते थे अपने राजनीतिक, जब उनका जीवन की पारी की शुरुआत की। और उस वक्त अगर देखें तो जो मुलायम सिंह का राजनीति था वो वक्त ऐसा था कि साइकिल एक बहुत बड़ी चीज होती थी, साथ ही साथ रेडियो और साइकिल जो बड़े लोग होते थे उनके पास पाया जाता था। तो मुलायम सिंह उस वक्त साइकिल लेकर और कई आसपास के गांव में भ्रमण करते थे और ऐसे कई सारे मामले जो असहाय थे, शोषित थे, वंचित थे, ग्रसित थे, उनके लिए आवाज बनते थे। और आए दिन मुलायम सिंह के जो सहयोगी थे उनका कहना है, जो आज भी जीवित है, उनका साफ तौर पे कहना है कि मुलायम सिंह किसी की समस्याओं पर वो डीएम आवास को हर दिन वो चक्कर लगाते थे। अगर कोई फरियादी उनके घर के बाहर वापस आकर और अपनी समस्या को रखता था तो मुलायम सिंह जी उस समस्या का जल्द से जल्द निदान दिलाते थे, और अगर उनके समस्या का निदान नहीं मिलता था तो वो वहीं धरने पे बैठ जाते थे अपने सहयोगियों को लेके। वहीं नंदनी, आपको बताएं कि जैसा कि अभी गौरव श्रीवास्तव जी ने बताया कि वो नत्थू सिंह की नजर उनकी पहलवानी में, जब अपने से दोगुना वजन के पहलवान को उन्होंने धोबी पछार देकर और परस्त किया था पहलवानी के आखिरे में, तो कहीं ना कहीं नत्थू सिंह की नजर पड़ी और नत्थू सिंह फिर उन्हें अपना उन्हें राजनीतिक गुरु मानते हैं। और उसके ठीक बाद वो उनकी राजनीतिक पारी की शुरुआत में कहीं ना कहीं नत्थू सिंह यादव का एक बड़ा नाम रहा है। वहीं मैं वापस अपने उत्तर प्रदेश के ब्यूरो गौरव श्रीवास्तव के पास आऊंगा और उनसे जानूंगा कि अच्छा गौरव जी, हमें ये बताएं कि अभी हम मुलायम सिंह जी के पैतृक आवास सैफई चल रहे हैं, जो आप देख रहे हैं सड़कों पे हुजम, उसको देख के आप क्या कहेंगे? देखिए व्यवस्थ, जब हम लोग चले थे राजधानी लखनऊ से, तब भी हमने देखा था कि लगातार गाड़ियों कतार चल रही थी, और कोई बता रहा था हम बिहार से आ रहे हैं, कोई बता रहा हम जमशेदपुर से आ रहे हैं, कोई बता रहा था हम कहीं और से आ रहे हैं, इलाहाबाद, प्रयागराज, कुशीनगर, सभी से गाड़ी जा रही थी। और हम उन सब गाड़ियों में देखे थे समाजवादी पार्टी का झंडा भी लगा हुआ था, इसके अलावा कुछ गाड़ी ऐसी भी जिनमें झंडा भी नहीं लगा था। वो उनसे जब बात करने की कोशिश की गई, एक अनऑफिशियली उनसे बातचीत करने की, कहाँ जा रहे, उन्होंने कहा सैफई। तो आप इसे कब देखिए कि कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं। अमूनन यहाँ पर ये ऐसा नहीं है कि देश में पहली बार किसी राजनीतिक शख्सियत की यहाँ पर मृत्यु हुई है, पर मुलायम सिंह यादव जैसा नाम जिसको हम देख रहे हैं कि राहुल गांधी जो कि 7 सितंबर से भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, और उस यात्रा में भी उन्होंने यात्रा को रोक कर और मुलायम सिंह यादव को उन्होंने श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उसे गुजरात में है और जनसभा संबोधित कर रहे थे, उन्होंने जनसभा को संबोधित रोक कर उस समय मुलायम सिंह यादव का किस्सा बताया कि वही मुलायम सिंह यादव हैं जिन्होंने 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उस समय आशीर्वाद दिया था कि आप प्रधानमंत्री बने। तो निश्चित रूप से उनकी छवि बहुत बेहतर थी, मधुवासी थे, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है गिने चुने नेता ही मेवांशी ऐसे होते हैं जिन पर विपक्ष भी कभी कोई कटाक्ष नहीं करता है। जी, मैं आपको रोकना चाहूँगा, नेताजी का कहा जाता है कि वो कार्यकर्ताओं को नीचे के पायदान से उठाकर और उन्हें मंत्री पद तक लाए हैं, और ऐसे कई सारे नेताओं का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो साफ तौर से विलाप करते हुए नजर आ रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि नेताजी हमारे राजनीतिक गुरु के साथ साथ हमारे मार्गदर्शक थे, जिनके नक्शों कदम पे चलकर आज हम सत्ता के शीर्ष पे हैं। वहीं अगर बात की जाए, ऐसे कई सारे नाम हैं
जो पक्ष में है या विपक्ष में है, दल बदल के करके वो किसी और दल में है, ऐसे भी कई सारे नेता हैं, उनका भी साफ तौर से कहीं ना कहीं मुलायम सिंह का प्रति प्रेम आज जाहिर कर रहा है, इसको लेके आपका क्या कहना है? मानसू, मैंने आपको यही बार में बताने जा रहा था आपको कि वो ऐसे नेता थे कि कभी उन्होंने विपक्ष पे भी कोई कटाक्ष नहीं किया, कभी कोई ऐसी वाणी का उपयोग नहीं किया। आजकल तो हम देख रहे हैं कि हमारे लोकतंत्र की गरिमा तार तार हुई जा रही है, लोग ऐसे बयानबाजी करते हैं कि वो सुनने में तकलीफ होती है, पर्ची उड़ा दी जाती है, और निश्चित रूप से ये जो भाषा शैली है ये लगातार खराब होती जा रही है। पर अगर मुलायम सिंह से समय की हम बात करें तो उनकी खुद की भाषा शैली ऐसी थी, और जो आपने बात बताया कि जिम्मेदारी, मैंने आपको बताया कि जिम्मेदारी वो प्रत्येक कार्यकर्ता को उनकी गतिविधि, उनकी क्षमता, उनकी जिम्मेदारी से जानते थे, उन्हें पता है किस कार्यकर्ता की कितनी क्षमता है, कितना वो आगे बढ़ सकता है, उसी आगे बढ़ने की उनकी उसी दूरदर्शिता को लेकर वो लोगों को आगे बढ़ाते। तमाम ऐसे नाम है बेमानसू जो कुछ नहीं थे, और संघर्ष करते करते मुलायम सिंह यादव की उनकी नज़र पड़ी है, क्योंकि वो भीड़ में भी अपने कार्यकर्ताओं को पहचान लेते थे, उनको पता है कौन कार्यकर्ता हमारा कहाँ है, कैसे कहाँ का रहने वाला है। अगर 100 कार्यकर्ता भी, 1000 कार्यकर्ता भी वहाँ खड़े हैं तो एक एक कार्यकर्ता को मुलायम सिंह नाम से जानते थे, उसके निवास से जानते थे, उसके गांव से जानते थे। महत्वपूर्ण ये दूरदर्शिता थी विवानसु, ये दूरदर्शिता के कारण हम देख रहे हैं कि आगरा एक्सप्रेस वे पर हम जहाँ पर चल रहे हैं लगातार गाड़ियाँ जा रही हैं, और सबका एक ही एक गंतव्य स्थल है, वो है सफाई अपने आदरणीय नेताजी को, धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव, जो कि मन से मुलायम थे, राजे लोहा बाली उस पंक्ति को हमेशा चरितार्थ करते आ रहे थे, उनके लिए जा रहे हैं। और निश्चित रूप से उनका जाना केवल कितना है कि अपने महान नेताजी के जो अंतिम संस्कार है उसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सके, उस महापुरुष को श्रद्धा सुमन दे सके जिसने इतिहास बदला है, इतिहास बदलने के साथ साथ देश में तमाम प्रथाओं को खत्म करके नई जीवनी शक्ति डाली, नई प्रथा डाली है, और सबसे बड़ी बात है विपक्ष को भी आशीर्वाद देने वाले नेताजी उनको यहाँ पर श्रद्धांजलि देने के लोग जा रहे हैं। और विमानसु निश्चित रूप से यहाँ पर अब नेताजी की कमी को कौन पूरा कर पाएगा, ये सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न है। विमानसु यहाँ पर ये भी है क्योंकि मुलायम सिंह यादव जिस कद के नेता थे, जिस स्तर के नेता थे, निश्चित रूप से उस स्तर को पा जाना, उसको उस कद को पा पाना, फिलहाल अभी समाजवादी पार्टी में कोई ऐसा नेता नजर नहीं आ रहा है जो उनकी कद तक पहुँचे। क्योंकि देखिए एक यहाँ पर अगर अखिलेश यादव की बात करें तो 30 बार यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, इसके अलावा और तमाम नाम है। शिवपाल सिंह यादव की बात करें जो अलग हो चुके हैं, बसपा पार्टी के इस समय वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तो यहाँ पर कौन नेता उनकी पदवी संभाल सकता है, ये अच्छे प्रश्न है। इसलिए क्योंकि उनके कद को पाना बहुत बड़ी बात है, उनके कद को कैसे पाया जाए, क्योंकि मैं बताऊँ अगर अखिलेश यादव की फैन फॉलोइंग है, शिवपाल सिंह यादव की फैन फॉलोइंग है जो कि बसपा के अध्यक्ष बन चुके हैं, इसके अलावा तमाम बड़े नाम है समाजवादी पार्टी में, पर मुलायम सिंह यादव को जब आते थे मंच पर किसी कार्यक्रम में आते थे, बुजुर्ग हो गए थे, अधिकांश अस्वस्थ चलते थे, बोल पाने में भी तमाम दिक्कतें आती थी, पर जब हम देखते थे उनके कार्यक्रम में कई बार विमर्श हम लोग गए हैं, हमने कवरेज किया है सपा कार्यालय में, जब मुलायम सिंह यादव मंच पे होते थे तो कार्यकर्ताओं का एक अलग ही उत्साह नजर आता था, वो उत्साह इसलिए होता था क्योंकि यहाँ उनके नेताजी मंच पर हैं। तो यहाँ पर उनके कद को पाना, उनके स्तर को पाना, ये बहुत बड़ा प्रश्न समाजवादी पार्टी के पास है। हालांकि अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष है, और निश्चित रूप से अखिलेश यादव को अब यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी के साथ साथ, क्योंकि अब उनके ऊपर जो एक हाथ था जो संरक्षक था वो खत्म हो चुके हैं, वो उनका निधन हो चुका है, अब समाजवादी पार्टी के संरक्षक भी वही है, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी वही, उनको दोनों प्रभार संभालने पड़ेंगे, और अब उनको नेतागिरी की नेताजी की उन्हें जीवन शैली पर चलना पड़ेगा कि उन्हें प्रत्येक कार्यकर्ता को पहचानना पड़ेगा, तभी उस क्षति को पूर्ण किया जा सकता है, अन्यथा उस क्षति को पूर्ण करना अब मानसिक संभव नजर नहीं आ रहा है। जी, तो आप अभी जिक्र कर रहे थे ऐसे कई सारे नेता, तो माना यह जाता था कि जब छोटे लोहिया यानी कि जनेश्वर मिश्र, बड़े लोहिया और साथ ही साथ कर्पूरी ठाकुर, भृगु ठाकुर, ऐसे कई सारे समाजवादी नेता थे, चाहे बात की जाए जयप्रकाश नारायण की जिनके नेतृत्व में जेपी मूवमेंट हुआ था, जिसमें गुजरात से लेकर और पटना तक के जो छात्र थे वो खाना की जो व्यवस्था थी हॉस्टलों में उसके विरोध को लेकर जब जगे थे, और साथ ही साथ कहा जाए तो माना ये जा रहा था कि समाजवादी के आखिरी सिपाही ये थे, और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि ये समाजवाद के युग का अंत है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, यहाँ पर समाजवाद का युग का मैंने विमान जी आपको बताया कि उनकी कमियों को पूरा करना, क्योंकि समाजवाद में जब वो आए थे तो लगातार उन्होंने संघर्ष किया। मुलायम सिंह यादव क्यों थे, उनको धरती पुत्र क्यों कहा जाता था, उनको मन से मुलायम राजे लोहा क्यों कहा जाता था, क्योंकि जो वो एक बार ठान लेते थे विमानसु उसको पूरा करते थे। जब से उनका कार्यकाल आपने देखा, जब भी वो कार्यकाल रहे, मुख्यमंत्री रहे, 3 बार रक्षा मंत्री रहे, और
आप इमली अपने रहते अपने ही उसकी मार्गदर्शन में उन्होंने अखिलेश यादव को यहाँ का मुख्यमंत्री बनाया, तो मैटपुर उनका काम था। मैटपुर काम इसलिए कि धरातली संघर्ष के नेता थे, वो संघर्ष को ट्वीट के माध्यम से, वो संघर्ष को अपने कमरे में बैठ के यार केवल राजनीतिक पटकथा बनाने से नहीं करते थे। उनका कहना था कि जब हम जनता के बीच जाएंगे, जब जनता हमको देखेगी कि हाँ हमारे मुलायम जी हमारे नेताजी संघर्ष कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से जनता का प्रेम उनको मिलेगा। और यही चीज़ उनको अन्य लोगों से अलग करती थी। आज हम देखते हैं लगातार जो हमारी राजनीति है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सोशल मीडिया पर जरूर एक्टिव हो गई है, धरातल संघर्ष कम नजर आता है। और धरातल संघर्ष के प्रणेता नेताजी थे, क्योंकि उनका जो व्यक्तित्व था, उनका जो काम था, उनकी दूरदर्शिता थी और उनका जो एक लगन थी, निष्ठा थी, वो जिस काम को लिए जुट जाते उस काम को अंजाम पहुंचाकर ही उनको चैन लेते थे। निश्चित रूप से व्यवहारसु यहाँ पर समाजवाद युग का अनंत इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि जो समाजवाद की धारणा उन्होंने लाई थी, जो समाजवाद की शुरुआत उन्होंने कही थी, जो समाजवाद में सभी वर्गों को वो एक प्रकार से आगे बढ़ाने का काम करते थे, जो समाजवाद में उन्होंने तमाम तरह के फैसले ऐसे लिए जो आज भी एक नज़ीर बन चुके हैं, तो निश्चित रूप से उस समाजवादी युग का अंत तो यहाँ पर हो चुका है। अब समाजवाद की जो बागडोर है वो फिलहाल अखिलेश यादव के ऊपर है। अब उस बागडोर को कैसे बढ़ाते हैं, क्योंकि ये पुश्तैनी बागडोर है, इसको पुश्तैनी बोलेंगे क्योंकि उनके पिताजी संरक्षक थे, अब संरक्षक भी इनको समझना है, राष्ट्रीय अध्यक्ष तो बने ही हुए हैं, तो निश्चित रूप से यहाँ पर जिम्मेदारी बहुत मेहनत से निभानी पड़ेगी। और जो उनकी कार्यशैली थी आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी की, वो कार्यशैली ये थी कि वो हमेशा जनता के बीच रहते थे, संघर्ष करते थे, वो उसी संघर्ष के चलते वो 3 बार मुख्यमंत्री बने, 1 बार रक्षा मंत्री बने, क्योंकि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य से कोई नेता अगर आगे बढ़कर देश का रक्षा मंत्री बनता है तो निश्चित रूप से प्रदेश के लिए बहुत बड़ी गौरव की बात है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो जिनके केवल विधायक केवल एक प्रदेश में होते हैं और एक प्रदेश में विधायक होने के बावजूद उनको राष्ट्र में रक्षा मंत्री का पद मिलता है, तो निश्चित रूप से वो पद के हकदार थे और उनके योगदान को, उनकी कार्य क्षमता को देखते हुए विमानसु उनको एचडीडीबी की सरकार में, सत्य मोर्चा की सरकार में उनको रक्षा मंत्री बनाया गया था। जी मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगा नंदिनी, आपको बता दें कि नेताजी का पार्थिव शरीर सैफई पहुंच चुका है और अब गांव के बाहर हजारों की संख्या में जो गांव के निवासी हैं, आसपास के गांव के लोग हैं, वो नेताजी को नम आंखों से विदाई देने पहुंचे हुए हैं। जहां आपने सुना कि प्रदेश और साथ ही साथ आस पड़ोस के जो प्रदेश हैं वहां से भी नेताजी के चाहने वाले जो नेता हैं वो आ रहे हैं। वहीं आप अभी बताएं कि अभी हमारी जो यात्रा है उस दौरान हमने बीच में हमारी यात्रा रुकी थी, उस दौरान हम तमाम नेताओं से बात किए जो सैफई जा रहे हैं, साफ तौर पे कहना है कि वो अलग अलग पार्टियों से हैं, मगर उनका जो सम्मान है नेताजी का लिए वो किसी दल से बाहर रहकर भी, उस दल से बाहर रहकर भी वो नेताजी का उतना ही सम्मान करते हैं जितना अपने नेताओं का सम्मान करते हैं। वहीं आपको बताएं नंदिनी की प्रदेश में 3 दिन का राजकीय शोक का घोषणा किया गया है और बात की जाए तो देश के रक्षा मंत्री हैं, जब उन्हें उनकी पंचतत्व में विलीन होंगे तो झंडे को भी में लपेट कर मुलायम जी को उनकी चिता पर लिटाया जाएगा, साथ ही साथ झंडे को भी झुकाया जाएगा और उन्हें तोपों की सलामी भी दी जाएगी। अब आपको बताएं कि साथ ही आज समाजवादी पार्टी के झंडे को झुका दिया गया है और सूबे के मुख्यमंत्री, साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी सैफई पहुंचे कुछ ही समय के अंदर पहुंचेंगे और वो नेताजी के पार्थिव शरीर का अंतिम दर्शन करेंगे और श्रद्धांजलि देंगे। वहीं आपको बताएं कि आप बात कर रही थी कि नेताजी का एक इमरजेंसी के दौरान एक बेहद जो उनका संघर्ष था वो सामने आया था। अगर बात की जाए तो इंदिरा गांधी की अगुवाई में नेता जो प्रधानमंत्री का जिम्मा था वो इंदिरा गांधी निभा रही थी, उस वक्त मीसा एक्ट लगा हुआ था और मीसा एक्ट के तहत समाजवादी पार्टी के समाजवाद जो सोच के लोग थे, साथ ही साथ वाइट जो सोच के लोग थे, उन सभी नेताओं को इंदिरा गांधी ने जेल के हवालात के अंदर डाल दिया था। उस दौरान अगर देखें तो मुलायम सिंह यादव 19 महीने जेल काटे थे मीसा एक्ट के तहत। तमाम ऐसे नेता जो आज नहीं रहे हैं, कुछ उसमें से बचे हुए हैं, ये सभी नेता जेल के अंदर से रणनीति बना के आते हैं, उसमें से एक मुलायम सिंह थे और इन सभी रणनीति के बाद और उनकी रणनीति इतनी बेहतरीन हुई थी कि सत्ता से बेदखल कर दिया था उन्होंने इंदिरा गांधी सरकार को। तो कहीं ना कहीं मुलायम सिंह का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। चाहे देश की आजादी के बात की जाए तो 1967 में जहां देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू अपना पहला वर्ष जो उनका कार्यकाल था वो उनका समाप्त होता है, साथ ही साथ उनकी मृत्यु होती है 1967 में, उसके ठीक बाद मुलायम सिंह जी
राजनीति में सक्रिय होते हैं, जिसके बाद कहीं ना कहीं देखा जाए तो वो लगातार चुनाव जीतते रहे, साथ ही उन्हें अहम पदों पर रखा गया। और अगर देखें तो मोरारजी देसाई की सरकार हो या चौधरी चरण सिंह की सरकार हो, उसमें अहम पदों पर वो रहे हैं या उसमें अगुवाई उनके द्वारा की गई है। अब आपको बताएं कि कल 3 बजे उनके पार्थिव शरीर को उनके आवास से समीप मेला मैदान में उन्हें पंचतत्व में विलीन होंगे। अब आपको बताएं कि जहां अगर अभी बात हो रही थी कि पक्ष हो या विपक्ष, सभी नेता उनके विदाई देने के लिए उनके पैतृक आवास पहुंच रहे हैं, और अभी हम कुछ देर के अंदर ही SFI पहुंचेंगे, जहां प्राइम टीवी की टीम एक्सक्लूसिव आपको वीडियो दिखाएगी कि क्या क्या वहां का माहौल है और क्या लोगों का कहना है। जी नंदनी, रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, तब तक बने रहिए हमारे साथ। कुछ भाव पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।